वीडियो के साथ आज का वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं गर्तेजपुर से। जिस उस दिन में जिस होटल में ठहरा था वही होटल से भी ठहरा। मैं खाना वाना भी इधर खाया और फिर रूम वगैरह भी, मेरे को सोने के लिए रूम वगैरह भी दिया था। और साइकिल वगैरह भी पूरा लोड हो चुका है, ये देख सकते हैं आप लोग भी साइकिल को पूरा लोड हो चुका है। और अभी मैं निकलते हैं, अभी साइकिल इधर में थोड़ा नाश्ता करके निकलते हैं। और होटल का नाम है देख सकते हैं इधर से, आप लोग भी देख सकते हैं। और इधर में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मतलब मौसम अभी आज बहुत अच्छा है। और आज का मौसम देख कर तो ऐसा लगता है बरसात आएगा, ऐसा लगता है बरसात होगा, ऐसा लगता है। तो मिलते हैं आगे में कैसा होता है, देखते हैं। बरसात होगा तो भी तकलीफ़ हो जाएगा मेरा थोड़ा बहुत, भीगेगा तो नहीं। इधर का बरसात ऐसे भी आता तो तूफान से, फिर देखना पड़ेगा, होता एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग और बरसात को डर कर इंतजार करते रहेंगे तो हम लोग का रास्ता कैसे कटेगा। तो चलो मिलते हैं आगे के नज़ारों के साथ, रास्तों के साथ, तो कैसा भी होगा। तो चलो चलो, टी गार्डन के एरिया में पहुंच चुका और आसाम आया और टी गार्डन का नज़ारा नहीं लिया तो क्या ही हुआ। फिर टी गार्डन का मज़ा तो लेना ही पड़ेगा, आसाम आया ये तो। आसाम में टी गार्डन का काफ़ी ज़्यादा होता है तो टी गार्डन का तो मज़ा तो लेना ही पड़ेगा ना गाइस। तो मैं भी वैसे इसकी वजह से मैं नेशनल हाईवे को छोड़कर मैं गाँव के रास्ते में आ गया टी गार्डन के एरिया में। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलो देखा कर, काफ़ी ज़्यादा आप लोग भी मज़े करो, एंजॉय करो। तो चलो दिखाते हैं। ब्रिज में पहुंच चुका गाइस, इधर तेजपुर, तेजपुर का एक ब्रह्मपुत्र ब्रिज है ना, नया ब्रिज है वो भी। तो उधर में पहुंच चुका अभी मैं इधर का। उस दिन मैं अच्छा से वीडियो अच्छे से बना नहीं पाया तो आज बनाते हैं, आप लोग को दिखाते हैं। और ये भी लगाया है, ये शेष माउट लगाया तो इसके साथ अच्छे से वीडियो बनाकर आप लोग को भी दिखाते हैं। तो चलो दिखाते हैं, चलो चलते हैं आगे, आगे के नज़रों के साथ मिलते हैं।
रिवर है ना, अरुणाचल से निकलने वाला फर्स्ट गंगा रिवर को नाम से जाना जाता है, इसी से हम मंगलेपुर नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट में इधर में ब्रह्मपुत्र रिवर्स में कनेक्ट हो जाता है, वो इधर से ऊपर में पूरा पहाड़ देख रहे हैं। कल सुबह तक मैं मेघालय पहुँच जाएगा, मेरा घर पहुँच जाएगा कल सुबह तक। फिर रात में, आज तो रात में भी राइड करेंगे ना, और लगभग मेरा अभी मिला कर फिर अभी 150-160 तो ऐसे किलोमीटर होगा अभी टोटल, शायद ऐसा लगता है। फिर मिलते हैं ऐसा अगर रास्ते के साथ तो आगे में जाकर मिलते हैं, अभी जागीरथ में जाकर मिलते हैं आपके साथ। तो चलो मेघालय बॉर्डर का आसपास में पहुँच चुका है गाइस, और अभी मैं आज जल्दी पहुँचेगा घर ऐसा लगता है, 8-9 बजे तक तो पहुँच जाएगा ऐसा लगता है। फिर अभी जोराबाद पहुँच गया तो पूरा रास्ता हाई फाई का हो जाएगा, पूरा हाई फाई हो जाएगा उधर से, पूरा जितना अपना मर्जी से जितने स्पीड से चला सकता है उधर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रास्ता भी अच्छा है उधर में। तो मिलते हैं आगे में, तो चलो जोराबाद में मिलते हैं आप लोग के साथ। पहुँच चुका है गाइस, और मैं अभी मेघालय में पहुँच कर अभी मेरे को पैसा पूरा ख़त्म हो चुका था, इसके वजह से मैं दाल खरीद लिया था, 30-30 रुपीज था, तो मैं उससे दाल खरीद लिया। फिर मैं अभी खाना बनाने वाला, चावल तो मैं बनाकर खाऊंगा, और इधर में दो पेट्रोल पम्प है, वो साइड में भी एक पेट्रोल पम्प है और इधर भी एक पेट्रोल पम्प है, तो देखते उधर में ठहरेंगे नहीं तो इधर में ही तेल लगा लेगा मैं। तो चलो दिखाते आप लोग को भी, ये देख सकते हैं सामान को पूरा खोल लिया मैंने, ये पानी वानी, ये साइकिल भी मेरा है अभी इधर खड़ा करके रखा है। और ये वीडियो को इधर में ख़त्म करते हैं गाइस, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोग के साथ कल सुबह के साथ, फिर नया वीडियो के साथ, नया सुबह नया जगह के साथ। तो चलो ये वीडियो को इधर में ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए इंतजार करो दोस्तों, तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम आगे बढ़ सकें। तो चलो गाइस, बाय बाय।